हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? रोज की तरह आज भी हमारे एक ही टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। ऐसा कि आप सब जानते ही हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उससे हम सभी टेक्निकल और डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब में इंटरनेट एक अहम भूमिका निभाता है। यदि आप मान लीजिए कि एक मिनट के लिए इंटरनेट बंद कर दे, तो हम आपको बता दें कि एक मिनट में गूगल पर जितना जानकारी इकट्ठा करते हैं उतना जानकारी इकट्ठा करने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। एक मिनट में जितनी मेल भेजे जाते हैं, अगर चिट्ठी भेजी जाए तो भारतीय पोस्ट को 5 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। बात करें फेसबुक की, तो 7 लाख से ज़्यादा लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और ट्विटर पर एक मिनट में 3,47,000 से भी ज़्यादा लोग ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जान ही गए होंगे कि इंटरनेट हमारे दुनिया में क्या भूमिका प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि किस देश में इंटरनेट सबसे फास्ट चलता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंटरनेट के मामले में इंडिया काफ़ी पिछड़ा देश माना जाता है। भारत में कंपनियों द्वारा ग्राहकों को जितना इंटरनेट स्पीड कहा जाता है, कोई भी कंपनी ग्राहक को उतना इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम नहीं हो पाती। पर दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं कि जहां पर इंटरनेट स्पीड इतनी ज़्यादा है कि एक बॉलीवुड सिनेमा कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। दुनिया के कुछ ऐसे देश जहां पर इंटरनेट स्पीड सबसे तेज मानी जाती है। इस पूरे देश में इंटरनेट की स्पीड दो तरीकों से निर्धारित की जाती है। नंबर 1, पूरे देश का औसतन इंटरनेट स्पीड। नंबर 2, पीक समय के दौरान हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड। एग्जांपल के तौर पर देखें तो भारत में दिन के 24 घंटे के अंदर रात में इंटरनेट की स्पीड दिन के मुकाबले ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर औसत इंटरनेट स्पीड को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत इंटरनेट स्पीड साउथ कोरिया में मापी जाती है, जहाँ पर औसतन इंटरनेट स्पीड 28 MB/s है। और अपने देश भारत की बात करें तो 6 MB/s है, जबकि यहाँ की कंपनी यह औसतन इंटरनेट स्पीड देने में भी सक्षम नहीं है। लेकिन पीक स्पीड के हिसाब से बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है सिंगापुर, जहाँ का औसतन स्पीड 184 MB/s है। सिंगापुर की यह स्पीड बिजनेस सेक्टर को काफ़ी मात्रा में फायदा पहुँचाता है। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर आता है दुनिया का सबसे मशहूर शहरों में से एक हांगकांग, जहाँ की औसतन इंटरनेट स्पीड 130 MB/s से भी ज़्यादा मापा जाता है। नंबर 3 पर आता है साउथ कोरिया। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादातर देशों से आगे हैं। यही कारण है कि साउथ कोरिया LG और सैमसंग जैसे बड़े कंपनी को ईजाद कर पाया है। साउथ कोरिया में इंटरनेट की स्पीड कभी भी 28 MB/s से नीचे नहीं आता। दोस्तों, 4th नंबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी देशों से पीछे है, लेकिन पैसों के दम पर यह देश टेक्निकली एडवांस होने में सफल रहे। और यह देश है कतर। कतर में इंटरनेट की स्पीड 108 MB/s से भी अधिक है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है थाईलैंड, जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड 106 MB/s है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।